तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब इंडिया के अंदर एनिमे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और इसकी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर भी काफी तेजी से बढ़ रही है। और अब इंडिया के अंदर भी एनिमे की व्यूअरशिप और एनिमे का फैन बेस काफी ज्यादा हो चुका है। और अभी लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग ये न्यूज सामने निकल कर आई है कि इंडिया के 73% लोग 2020 से एनिमे में काफी इंटरेस्टेड हैं। और इसका मेन और सिंपल रीजन यही है, एनिमे की गजब की स्टोरी लाइन और उसमें दिखाया गया हाई क्वालिटी एक्शन और एनिमेशन, जिसके चलते इंडिया के अंदर एनिमे का ग्राफ काफी तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। और इसी के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन ऐसी 10 एनिमे सीरीज के बारे में जिन एनिमे सीरीज के दम पर इंडिया के अंदर एनिमे का मार्केट इतना ज्यादा बड़ा है। और ये टॉप 10 एनिमे सीरीज इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और इन एनिमे सीरीज का इंडिया के अंदर फैन बेस भी काफी ह्यूज है। तो चलिए बिना कोई फालतू टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग वीडियो को और आपको बताते हैं उन टॉप 10 एनिमे सीरीज के बारे में। तो नंबर 10 पर जो एनिमे आता है उसका नाम है टोक्यो गोल। और ये एनिमे सीरीज इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर है जितनी शायद ही कोई और हो। और इसका इंडिया के अंदर काफी डेडिकेटेड फैन बेस है। अब इस एनिमे सीरीज के चाहने वाले ये बात जरूर बोलेंगे कि अगर भाई ये ज्यादा पॉपुलर है तो तुमने इसको नीचे क्यों रखा है। पर भाई रुको, जरा सबर करो, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जो एनिमे आने वाले हैं उनका इंडिया के अंदर फैन बेस एक अलग ही लेवल पर है। बट फिर भी टोक्यो गोल तो एक नेक्स्ट लेवल एनिमे है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक ऐसी स्टोरी देखने के लिए मिलती है जो कि शायद ही आपने कहीं देखी हो। स्टोरी के अंदर आपको एक ऐसे प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि एक पिशाच बन जाता है ड्यू टू सम इंसिडेंट्स। और इस स्टोरी के अंदर इतना ज्यादा पेन है जो कि शायद आपको इमोशनल भी कर दे। खैर, ये सीरीज इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिस वजह से ये सीरीज नंबर 10 पर आती है। अब नंबर 9 पर जो एनिमे आता है उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। अब इस एनिमे के बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि ये एनिमे कितना ज्यादा फेमस है। और इस एनिमे के अंदर आपको बेस्ट एनिमेशन, एक्शन एंड एडवेंचर, ग्रेट स्टोरी राइटिंग और वन ऑफ द बेस्ट थीम सॉन्ग सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो जब सब कुछ इसी में मिल रहा है तो फिर क्या ही चाहिए भाई। एंड नंबर 8 पर जो एनिमे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस है उसका नाम है वन पंच मैन द लेजेंड सैतामा, जिसके एक पंच से ही अच्छे अच्छे धूल चाट जाए। और वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर कैरेक्टर जो कभी किसी से हारता नहीं और हराने की किसी में औकात नहीं। एक सिंपल भाषा में बोलूं तो अर्थ पर इससे ज्यादा पावरफुल मैन कोई भी नहीं है। और शायद इसी वजह से इंडिया के अंदर फैन बेस काफी तगड़ा है। इंडिया के अंदर 7वें नंबर पर जो फेमस एनिमे है उसका नाम है डेथ नोट, द मोस्ट रेटेड एनिमे ऑन IMDb। और अपनी इंडिया के अंदर कोई भी बंदा अगर जो एनिमे देखना स्टार्ट करता है तो उसको यही सजेशन मिलता है कि भाई जाकर डेथ नोट देख लो। और भाई इस एनिमे की क्या ही ग्रेट स्टोरी है। और माइंड गेम्स खेलना किसे कहते हैं, वो इस एनिमे का परफेक्शन है। चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पर जो एनिमे आता है उसका नाम है ब्लीच। और ये एक ऐसा एनिमे है जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलती है बेस्ट स्वॉर्ड्समैन फाइट, मतलब ऐसी गजब की तलवारबाजी शायद ही किसी दूसरे एनिमे के अंदर तुमको देखने के लिए मिले। और भाई इस एनिमे सीरीज का इंडिया के अंदर बहुत ही बड़ा फैन बेस है। और हो भी क्यों ना भाई, जो तुम रील्स पर बंकाई के रील्स देखते हो वो भाई इसी एनिमे के है। तो भाई एक बार जोर से बोलो बंकाई। और अगर जो तुमने एनिमे नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखो। नंबर 5 पर आता है द लेजेंड वन पीस। अब भाई काफी बड़ा एनिमे है, मांगा सीरीज भी अभी चलती जा रही है, 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स हैं। पर भाई जितनी ही बड़ी ये एनिमे सीरीज है उतना ही बड़ा फैन बेस। और इस एनिमे को भी मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ और इंडिया में भी ये इतनी ज्यादा फेमस है जिस वजह से इसको दोबारा कवर करना पड़ रहा है। बट फिर भी ग्रेट एक्शन, एडवेंचर एंड स्टोरी, मोस्ट आइकॉनिक फाइट सीन सब है इसमें। चलते हैं नंबर 4 के एनिमे की तरफ। तो नंबर 4 पर जो एनिमे इंडिया के अंदर काफी ज्यादा फेमस है उसका नाम है नरूटो सीरीज। और ये एनिमे तो भाई फुल पैक है, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो तुमको इस एनिमे के अंदर ना देखने के लिए मिले। मतलब भाई तुम इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जिस सीरीज के मेन कैरेक्टर से ज्यादा साइड कैरेक्टर और विलेन को लोग पसंद करें तो वो एनिमे क्या ही गजब होगा। और इंडिया के अंदर इतने तगड़े नरूटो के फैन बेस का कारण यही चीजें हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि जिस बंदे ने नरूटो एनिमे देखा भी नहीं होगा उसने भी इताची और मादरा का नाम जरूर सुना होगा। और इसके अलावा भी इस एनिमे के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इसके तगड़े फैन बेस का कारण है। और इंडिया के अंदर भाई ये नेक्स्ट लेवल पर है। एंड नंबर 3 पर जो एनिमे आता है उसको तो तुमने जरूर ही देखा होगा और वो एनिमे है पिकाचू फ्रेंचाइजी। और वैसे देखा जाए तो इस एनिमे का फैन बेस ज्यादातर बच्चों का ही है, बट फिर भी ये एनिमे वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक, इम्पैक्टफुल और सक्सेसफुल एनिमे फ्रेंचाइजी है इंडिया के अंदर। और इस एनिमे का तो गेम भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसका नाम है पोकेमोन गो, नाम तो जरूर सुना होगा। खैर चलते हैं नंबर 2 के एनिमे की तरफ। तो नंबर 2 पर दो एनिमे आते हैं और इनका इतना तगड़ा फैन बेस
बेस इंडिया के अंदर है कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पाया कि कौन इससे ऊपर रहेगा या कौन इससे नीचे। इसीलिए भाई दोनों एक ही पोजीशन पर आते हैं, अब आप ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद है। और इन दोनों एनिमे का नाम है शिनचैन और डोरेमोन। तो भाई शायद ही तुम में से कोई ऐसा बंदा होगा जिसने डोरेमोन या शिनचैन ना देखा हो, और भाई नहीं देखा है तो फिर भी कोई बात नहीं, बट अब मत देखना। वैसे ये दोनों एनिमे कॉमेडी पर बेस्ड है और इनके अंदर काफी गजब की कॉमेडी देखने के लिए मिलती है। और इसके अलावा फैमिली, फ्रेंडशिप और भी बहुत सारे इमोशंस तुमको इन एनिमे सीरीज के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और बच्चे तो इन दोनों के लिए पागल हैं भाई साहब, और इसी वजह से ये दोनों इनमें इंडिया के अंदर टॉप पर आते हैं। एंड अब चलते हैं फाइनल और मोस्ट पॉपुलर एनिमे इन इंडिया की तरफ। तो अपने इंडिया के अंदर जो इनमे नंबर वन पर है उसका नाम है ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी। और भाई ड्रैगन बॉल सीरीज आइकॉनिक सीरीज है यार, मतलब बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चों के अलावा भी बड़ों में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। और इस एनिमे के अंदर क्या ही गजब का मोटिवेशन, क्या ही गजब की फाइट्स, क्या ही गजब का एनिमेशन, क्या ही गजब की स्टोरी, मतलब ऑल इन वन, जिस वजह से इस सीरीज का इंडिया के अंदर काफी तगड़ा फैन बेस है और लोगों के दिलों में इसकी एक स्पेशल जगह है। तो ये थी इंडिया के अंदर टॉप 10 फेमस एनिमे पर वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड कमेंट में अपनी फेवरेट एनिमे सीरीज का नाम जरूर से बता देना। और अगर तुमको इनमें से कोई सा भी एनिमे देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर एनिमे को एंजॉय कर सकते हो। तो मैं मिलता तुमसे किसी अदर वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ।